विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा है। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है, आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और अभी मुझे काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता और काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने का अवसर मिला। मैं सभी विजेताओं को उनके परिश्रम, उनकी प्रतिभा के लिए बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं, उनके गुरुजनों की भी बधाई देता हूं। जो युवा सफलता से कुछ कदम दूर रह गए, कुछ तो होंगे जो चार पे आके अटके हुए होंगे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप काशी की ज्ञान परंपरा का हिस्सा बने, उसकी प्रतियोगिता में भी शामिल हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है। आप में से कोई भी साथी हारा नहीं है, न ही पीछे रहा है। आप इस भागीदारी के जरिए काफी कुछ नया सीखकर कई कदम और आगे आए हैं। इसलिए इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाला हर कोई बधाई के पात्र है। मैं इस आयोजन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, काशी विद्वत परिषद और सभी विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आपने काशी के सांसद के रूप में मेरे विजन को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अभूतपूर्व सहयोग किया। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां दो बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। इसके अलावा जितनी भी सांसद प्रतियोगिता काशी में आयोजित हुई है, उन पर भी छोटी छोटी किताबों को लॉन्च किया गया है। मैं सभी काशीवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
लेकिन साथियों, आप भी तो जानते हैं, हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण है। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंदमय है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। आज एक बार फिर काशी के हमारे परिवार के लोगों के लिए करोड़ों रुपया की योजना का लोकार्पण होता है। शिवरात्रि और रंग भरी एकादशी पहले काशी में आज विकास का उत्सव मने जाता है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से नए शोध भी किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि जल्द ही मंदिर न्यास शहर के कई स्थानों पर निशुल्क भोजन की व्यवस्था भी शुरू करने जा रहा है। मंदिर ये सुनिश्चित करेगा कि मां अन्नपूर्णा की नगरी में कोई भूखा नहीं रहेगा।